वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आईकैट के स्प्रिंग 2020 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि साइमा एहसन एंड बारी आर पार्टनर्स इन अ लॉ फर्म। बारी रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ रुपीज 150,000 फ्रॉम वन ऑफ फर्म्स क्लाइंट फॉर डिफेंडिंग अ लॉ सूट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पैसे लिए गए हैं ये फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिए गए हैं। लॉ फर्म का काम तो क्लाइंट के बिहाफ पर केस फाइल करना भी होता है और केस डिफेंड करना भी होता है। बारी विदाउट डिफेंड प्रोसीडिंग ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट, बजाय इसके कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर डिफेंड करते एंड इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स को भी नहीं बताया अबाउट द रिसीट ऑफ द अमाउंट, यूटिलाइज द मनी फॉर पर्सनल यूज। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी बाय वन ऑफ द पार्टनर। डिस्कस द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर एंड दैट ऑफ फर्म, यानी राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताने हैं पार्टनर के भी फर्म के भी विद रिगार्ड टू बारी एक्ट, कि बारी ने ये जो क्लाइंट का पैसा लेकर पर्सनल इस्तेमाल कर लिया और क्लाइंट के लिए जो काम करना था उसका केस डिफेंड करना था वो काम नहीं किया, उसकी वजह से क्लाइंट को भी नुकसान पहुंचा होगा और क्लाइंट हो सकता है कि लॉ फर्म से कंपनसेशन मांग ले कि भाई आपने मुझसे पैसे लेकर भी मेरे केस में जो है ना वो प्रॉपर एक्शन नहीं लिया तो वो नुकसान होगा उसकी वजह से मुझे, तो वो क्लेम कर सकते हैं। तो इस पर हम टोटल बातचीत करेंगे कि हमारे डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन हैं जहां से इसकी इम्प्लीकेशन राइज होती है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात हमारी यह है कि बारी हैज क्लियरली एक्सीडेड अथॉरिटी। देखें काम तो गलत किया ना, फर्म के लिए पैसे मिले थे उसको फर्म में आना चाहिए था, उनको पर्सनल यूज में नहीं लेना चाहिए था। फिर क्लाइंट के ऊपर काम नहीं किया, क्लाइंट का केस डिफेंड नहीं किया, तो ये दो गलतियां क्लियरली उन्होंने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। हाउएवर साइमा एंड एहसन कैन नॉट रिपीडिएट बारीज ट्रांजेक्शन विद द क्लाइंट, यानी क्लाइंट के साथ ये ट्रांजेक्शन कैंसिल नहीं कर सकते। बारी का एक्ट ऑफ रिसीविंग 150,000 फ्रॉम द क्लाइंट फॉर डिफेंडिंग देम अगेंस्ट द लॉसूट वाज डन टू कैरी ऑन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरीड ऑन बाय द फर्म एंड सच एक्ट बाइंड्स द फर्म। यानी यहां पर तो क्योंकि देखें लॉ फर्म है और डिफेंडिंग अ लॉसूट वाली बात है, तो ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उस टाइप का बिजनेस है जो फर्म यूजुअल वे में कैरी करती है, और इससे ये जो एक्ट है ये फर्म पे बाइंडिंग होता है, यानी तीनों पार्टनर साइमा एहसन और बारी तीनों के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो एक तो पहली बात हमें यह समझनी है कि यहां पे फर्म लायबल है, सिर्फ एक पार्टनर लायबल नहीं है, फर्म लायबल है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, टुवर्ड्स द क्लाइंट। फर्दर वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज इट, जो कि सिचुएशन में हुआ है। अच्छा, अब अपेरेंट अथॉरिटी थी, बिल्कुल थी, ये डिफेंडिंग द लॉ सूट के लिए तो एक पार्टनर की इंप्लाइड अपेरेंट अथॉरिटी होती है, तो वो थी, तो यहां पर भी फर्म लायबल है टू मेक गुड द लॉस, तो लॉस पूरा करना है क्लाइंट का। और हमें पता है कि जब फर्म लायबल होती है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल होती है, यानी क्लाइंट उनमें से किसी एक पर केस करके भी पैसे रिकवर कर सकता है सारे, और तीनों पार्टनर्स पर भी केस करके पैसे रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्लाइंट का जो केस लड़ना था और वो नहीं लड़ा विदाउट प्रोसीडिंग ऑन क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, ये रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ बारी है कि एक पार्टनर के एक्ट की वजह से या ओमिशन की वजह से फर्म को नुकसान पहुंचे और क्लाइंट को भी नुकसान पहुंचा। तो जहां पर पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन की वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचे तो फर्म उसी तरीके से लायबल होती है जैसे पार्टनर्स लायबल होते हैं। सिमिलरली वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ बारी नॉट डिफेंडिंग द क्लाइंट अगेंस्ट द लॉसूट अ लॉस और इंजरीज कॉज्ड टू द क्लाइंट और एनी पेनल्टीज इनकर्ड द फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर्स आर लायबल। तो यहां पर हम जो बात कर रहे थे राइट्स और लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज पार्टनर की भी हैं क्लाइंट की तरफ और फर्म की भी हैं। तो सारी ये तो अभी तक लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, अब राइट्स की बात करते हैं। राइट्स की बात करें तो देखें काम जो गलत हुआ है वो तो बारी ने किया है, एस सच यहां पर साइमा और एहसन का कसूर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि फर्म लायबल है तो थर्ड पार्टी की तरफ तो तीनों की लायबिलिटी होगी। हाउएवर बारी वुड बी पर्सनली लायबल टू द अदर पार्टनर्स, यानी कि वो उनको इंडेमनीफाई करे। अब ये जो इंडेमनीफाई हो रहा होगा इसमें बारी की लायबिलिटी होगी, लेकिन ये साइमा और एहसन के लिए राइट होगा कि वो बारी से वो पैसे रिकवर कर सकते हैं जो फर्म को नुकसान हुआ बारी के विलफुल निग्लेक्ट की वजह से। जब हम पार्टनर्स की ड्यूटीज पढ़ते हैं तो वहां पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म में एक पार्टनर के विलफुल निग्लेक्ट की वजह से फर्म को कोई नुकसान होगा तो वो पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करेगा, तो ये राइट बन जाएगा बाकी पार्टनर्स और फर्म का,
और बारी के लिए ये क्या बन जाएगी, ऑब्लिगेशन बन जाएगी। तो ओवरऑल ये 4 मेन पॉइंट्स थे जो हमें इसके आंसर में रिफ्लेक्ट करने चाहिए, और ये जहन में रखें इस टाइप का सिनेरियो। छोटा सा सिनेरियो है लेकिन इसकी इंप्लीकेशंस काफ़ी जो है डिफरेंट वे के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। सो एक अच्छा सिनेरियो है टू अंडरस्टैंड ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ पार्टनरशिप लॉ ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ गुड डे।